सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, उपकार का है वृक्षः, जिसके हमने तीन अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। अंतिम अनुच्छेद पर हम चलेंगे। आइए ध्यानपूर्वक देखें, अपने कॉपी पेन लेकर के जो है विशेष शब्दों की व्याकरण, उनके जो भी विशेष प्रश्नोत्तर बताए जाते हैं उनको आप साथ साथ लिखते चलें ताकि आपको आसानी रहे। तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर जो पढ़ा था उसको पहले एक बार स्टोरी को देख लेते हैं। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वलकलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ति। पेड़ पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, पेड़ों के ऊपर की जो त्वचा होती है जिसे छाल बोलते हैं, छाल जिसकी अनेक दवाइयां बनती हैं, छाल से, काष्ठ लकड़ी से, सदैव मैंने हमेशा प्राणी नाम लोगों का, मनुष्यों का, प्राणधारियों का उपकारम कुर्वन्ति, मैंने भला करते हैं। अतः उपकार का एते एव एते वृक्षा, इसलिए ये पेड़ जो हैं उपकार करने वाले ही हैं, भलाई करने वाले ही हैं। एतई बिना अस्माकम जीवनम असंभवम अस्ति, इनके बिना, एतई इनके बिना, एतई बिना अस्माकम जीवनम हमारा जीवन असंभवम अस्ति, मैंने असंभव है। एतेषां रक्षणे एव, इनके रक्षा में ही, अस्माकम जीवनस्य रक्षणम हमारे जीवन की रक्षा है, इनके बचाव में ही हमारा बचाव है, सीधी सी बात है। एतेषां रक्षणे, इनकी रक्षा में, एव मैंने ही, अस्माकम जीवनस्य रक्षणम हमारे जीवन का रक्षण है। अतः कथ्यते, इसलिए कहा गया है, रक्षणिया एव एते उपकार का वृक्षः, तो ये उपकारी पेड़ बचाए जाने ही चाहिए, यानी इन पेड़ों की रक्षा करनी ही चाहिए। आप इस पूरे लेसन की हिंदी समझ लें, इसको अच्छे से कॉपी में लिखें, कहीं भी लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा से फिर रिप्ले करके दोबारा से इस लेसन को आप सुने ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें कुछ विशेष जो प्रश्न बनते हैं दूसरे तीसरे पहरे में, वो एक बार आप देख लें। वृक्षा अपि अस्माकम् एव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, तो इस लाइन में दो तीन अव्यय हैं, अपि, ईव और च। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति में अव्यय पद छांट कर बताओ, तो अपि, ईव और च ये तीनों अव्यय हैं। व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें तो अस्माकम अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, भुज धातु से कत्वा प्रत्यय जुड़कर भुक्त्वा बना हुआ है और पा धातु से कत्वा प्रत्यय जुड़ करके पा का पी होकर के पीत्वा बना है। इसी तरह से मूलानी वृक्षाणाम पादा भवन्ति, आप देखें तो मूलम मूले मूलानी नपुंसकलिंग शब्द है और बहुवचन है। एते पादई पादई ये पुल्लिंग शब्द है, पादय पादौ पादा, पादम पादौ पादान, पादेन पादाभ्याम पादैः, ये पादई शब्द जो है बहुवचन है, अतएव भी अव्यय है। और इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे कि जैसे भुक्त्वा पीत्वा था, यहाँ गृहीत्वा भी कत्वा प्रत्यय का ही भाग है। अन्येभ्य अवयवेभ्य, ये दोनों के दोनों विशेषण और विशेष्यवाची हैं, अन्येभ्य विशेषण है, अवयवेभ्य विशेष्य है। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, एते वृक्षाः, ये दोनों शब्द भी विशेषण विशेष्य है, एते विशेषण है, वृक्षाः विशेष्य है। अपि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपि एक अव्यय पद है, यहाँ वृक्षा अपि, मनुष्या ईव, ईव विशेषण विशेष्य है। यह दो शब्द ये हैं, सुखानी दुखानी, दोनों विलोम शब्द हैं, सुखानी मैंने सुख होता है, दुखानी दुख होता है, नपुंसकलिंग के शब्द हैं क्योंकि दोनों भाव हैं। तो सुखानी का विलोम अगर पूछा जाए तो दुखानी बताना है, और दुखानी का विलोम पूछा जाए तो सुखानी बताना है। इसी तरह से चाहे अव्यय पद हो गया, अनुभवती महसूस करना, अनुभवंती महसूस करते हैं, प्राणाः भवन्ति, इसी तरह से आप ये देखेंगे कि तीन क्रियाएं दे दी, जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते, पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, मर जाते हैं। चय अव्यय है, ईव अव्यय है, यहाँ पर भी ये दोनों अव्यय हैं, परंतु अव्यय है, परंतु भी अव्यय है। इस तरह से अगली वाली जो लाइन है इसमें देखें, अर्थार्थ एक अव्यय पद है, ईव न चौवन खगमिग जलचर नरा ईव न चरंती, तो ईव और न दोनों अव्यय पद हैं, बहवे भेदा संति, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, बहवे और भेदा ये दोनों विशेषण विशेष्यवाची हैं, बहवे बहुवचन है,
वेदाह भी बहुवचन है, वह विशेषण है, बहुत सारे भेदाह भेद ये विशेष्य है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुष्प वृक्षा, पुष्पाणाम वृक्षा, पुष्प वृक्षा फूल के पेड़, फल वृक्षा फल के पेड़। तो खैर इस तरह से आप इन सबको देखें और इनका अर्थ ग्रहण करते हुए इनमें कोई भी प्रसृतान फैली हुई, प्रदूषितान, प्रदूषित मैंने प्रदूषित मैंने गंदी वायु, तो इस तरह से आप ये सब के सब अर्थ सहित हिंदी लिखें। इसमें कठिन शब्द आगे देखिएगा, इसके बाद अगला भाग दूसरी वीडियो में आएगा जिसमें प्रश्नोत्तर होंगे, तो इसकी हिंदी लिखें और इसे याद करें। धन्यवाद।